एवरीवन, वेलकम टू वंडर रोप्स। मैं गौसी अरशद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल लेयर्ड शरारा के बारे में। ट्रिपल लेयर्ड शरारा आजकल बहुत इन है, यह बच्चों के ड्रेस में भी बहुत चल रहा है। ट्रिपल लेयर्ड शरारा कुर्ती के साथ तो पहना ही जाता है, साथ ही इसे टॉप पर भी पहना जाता है और यह हर तरह के फैब्रिक में बनवाया जा सकता है और लोग बनवाते भी हैं, लेकिन सिल्क, लिनन, जॉर्जेट जैसे लचकदार कपड़ों में यह ज़्यादा अच्छा बनता है और यह सिल्क जैसा हिलता रहता है, ये चलने में बहुत अच्छा लगता है। आपके वार्डरोब में ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस और साड़ियां हैं जो आप यूज़ में नहीं ला पाते हैं, नहीं पहन पाते हैं, और कुछ तो काफ़ी कॉस्टली और फेवरेट भी हैं जो आपको बहुत पसंद है पर आप उसे पहन नहीं रहे क्योंकि आप उसे बहुत बार पहन चुकी हैं। आप अपने वार्डरोब से उन सभी साड़ियों को और ड्रेसेस को निकाल कर एक जगह रखें जिन्हें आप बार बार नहीं पहन पाते हैं, जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं। अब आप अपने उस ड्रेसेस को साड़ियों के कपड़ों से मैच करें, उनके फैब्रिक मैच करें, उनके कलर मैच करें और फैब्रिक और कलर को मैच करके देखें कि किस सूट को किस साड़ी से पेयर अप करके एक नई ड्रेस बन सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से एक वाइट कलर के चूड़ीदार सूट को निकाला और चूड़ीदार आजकल क्योंकि फैशन में नहीं है, लेकिन उसकी कुर्ती बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, उसमें पूरे वर्क किए हुए हैं। अब वो मुझे पसंद भी थी, मैंने सोचा कि उसको एक नए ड्रेस में कन्वर्ट करूं। उसके लिए मैंने एक अपनी ब्लू कलर की जॉर्जेट की फ्लोरल प्रिंट की साड़ी निकाली और मैं उससे एक शरारा सोची कि एक शरारा बना के शरारा और दुपट्टा इस साड़ी से बनाऊंगी और बनाने के बाद मैं उस कुर्ते के साथ पेयर अप की। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से एक स्टाइलिश ड्रेस तैयार की हूं दोनों सूट और साड़ी को मैच करके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए कैसे मैंने एक पुरानी साड़ी और एक पुराने सूट को पेयर अप करके एक नई ड्रेस में ब्यूटीफुल स्टाइलिश एंड ट्रेंडी ड्रेस में कन्वर्ट की हूँ। आई एम श्योर कि आज की ड्रेस बनाने की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल लेयर्ड शरारे की साड़ी है जिसका मैं शरारा बनाने जा रही हूँ। यह 5.5 मीटर की साड़ी है जो ब्लू जॉर्जेट है और फ्लोरल प्रिंट है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें से मैं 2 मीटर 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए निकाल लूँगी और 3 मीटर में मैं शरारा बनाऊँगी और इसके लाइनिंग के लिए मैंने ये 3 मीटर लाइनिंग के कपड़ा लिया है। अब मैं आपको कटिंग करके बताऊँगी कि इसे कैसे कट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं शरारे की कटिंग जिसके बारे में मैंने बताया है। अब ये मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरी साड़ी है 5.5 मीटर की, इसके लिए मैंने 3 मीटर ये लाइनिंग ली हूँ। अब ये 5.5 मीटर में से मैं 2.5 मीटर निकाल दूंगी दुपट्टे के लिए और 3 मीटर में मैं कटिंग करूंगी शरारे की। तो अब मैं आपको शरारे की ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये ड्राफ्टिंग जिस तरह से मैं बताई हूँ, इस ड्राफ्टिंग में शरारा की कटिंग। अब मैं आपको साड़ी से कट करके दिखाती हूँ। शरारे की पैंट है, पैंट की कटिंग करती हूँ मैं साड़ी में से एक तरफ से। ये मैंने 4 फोल्ड करके पैंट की कटिंग के लिए इसे सेट करके रखा है क्योंकि ये सिल्क है, इसे सेट करने में टाइम लगता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है, 17 इंचेस चौड़ाई लंबाई और 17 इंचेस चौड़ाई। अब मैं इसको पीस को कट करके निकाल लेती हूँ। सकते हैं कि ये सिल्क वाला जॉर्जेट है और ये बहुत सिमट जा रहा है, इसलिए मैंने इसे सेट करके इसमें पहले से निशान लगा दिया है। ये 17 इंचेस है इसकी विड्थ और 17 इंचेस में मैं 2.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए लगाई हूँ और क्रॉच एरिया के लिए लेंथ जो ली हूँ वो 15 इंचेस। अब मैं 15 इंचेस पे मैं ये गोल करूंगी। अब मैं इसको कट कर लूंगी। सकते हैं कि ये मैंने 2.5 इंच का क्रॉच एरिया काट दिया है और ये 15 इंचेस हो गए। 2 इंच बेल्ट के लिए फोल्ड की हूँ और नीचे मैं 17 इंचेस पूरा रखी हूँ।
इसको मैं शॉर्ट नहीं करूँगी ना साइड से कट करूँगी, इसलिए कि ये मैं शरारा जो है मैं लहंगे स्टाइल का खुला खुला बनाऊँगी, जो प्लस साइज़ की औरतें हैं वो भी पहन सकती हैं। साड़ी में फॉल लगे रहते हैं तो मैं इस फॉल को इसमें से नहीं निकालूंगी, क्योंकि फॉल वाला एरिया साड़ी भारी होगी, नीचे में घेर भारी होगा, इसलिए मैं रहने दूंगी। जो नीचे वाला घेर होगा उसमें मैं इस साइड से कट करूंगी और लगा दूंगी, उसके नीचे ये फॉल रहने दूंगी। आप देख सकते हैं ये मैंने पैंट की जो कटिंग की है वो 17 इंचेस पे कटिंग की है। ये 17 इंचेस इसलिए मैंने कट की है, 1 इंच सिलाई में जाएगा वो 16 हो जाएगा, फिर 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए मुड़ेगा तो ये बन के 14 इंचेस आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंचेस ली थी, 17 इंचेस में मैंने 2.5 इंचेस कट कर दी क्रॉच एरिया के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये 14 इंचेस आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि नीचे शरारा का पार्ट के लिए जो मैंने कटिंग की है वो मैंने 3 पार्ट में कट किए, 2 पैर के, ये भी दोनों पैर का पैंट है, ये भी पूरा कपड़ा दोनों पैर का है। ये 45 इंचेस के ये पीसेज हैं और चौड़ाई में ये 45 इंचेज है और लंबाई में 13.5 इंचेज है। तो इस 45 इंचेस चौड़ाई ये 3 पार्ट है जिसे मैं मिला के 2 पार्ट करके मैं दोनों पैंट के सेकेंड पार्ट में ऐड करूँगी। अब वो जुड़ने के बाद वो इस तरीके से प्लेटेड पड़ जाएगी, ऐसे ऐसे प्लेट पड़ जाएगी, वो जुड़ के एक जगह आ जाएगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सेकंड पार्ट की लेंथ 13.5 इंचेस है और चौड़ाई जो है इसकी 45 इंचेस का एक एक पीस है, तीनों पीस 45 इंचेस करके 3 पीस हैं। इसको मैं दोनों पैर के सेकंड वाले पार्ट के शरारा के घेर बनाऊंगी। इसी तरीके से ये भी 13.5 इंचेस है और इसकी चौड़ाई जो है 45 इंचेस है, ये 4 फोल्ड में है। इसी तरीके से 45 इंचेस का ये 4 है जिसको मैं दोनों पैर के लास्ट वाले घेरे में लगाऊंगी। ये थोड़ा सा कम इससे हो गया और ये पैंट 2 पीस है, ये भी इससे थोड़ी सी कम है। इस तरीके से इसका घेर बनेगा। अब मैं साड़ी की स्ट्रिप कट करके आपको पैंट में अटैच करके दिखाऊंगी। और ये लाइनिंग है, लाइनिंग को मैं दिखा रही हूँ कि लाइनिंग को मैं एक ही साथ एक पूरा लाइनिंग एक साथ काटूंगी और आपको बताती हूँ कि कैसे काटूंगी। ये 3 मीटर है, आप देख सकती हैं, इसको मैं और रेप करके काटूंगी जो एक ही बार में पूरा निकल जाएगा। ये पूरा लंबा है, अब इसे मैं ऐसे तिरछा करके फोल्ड करूंगी। बताऊंगी कि लाइनिंग की कटिंग कैसे करूंगी वो मैं ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ। ये 2 फोल्ड वाला पेपर है, अब इसको मैं ऐसे तिरछा करके फोल्ड करूंगी। तिरछा करके फोल्ड करके ऊपर मैं 14.5 ली हूँ और थोड़ा नीचे जाके मैं 17 इंचेस ली हूँ और ये पूरा एक साथ नीचे निकलेगा। और नीचे ये तिरछा आ रहा है, इसे मैं थोड़ा सा कर्व राउंड में ले लूँगी और ये 21 इंचेस है। एक पीस इधर से निकलेगा और एक पीस इधर से निकलेगा। अब मैं कट करके फिर मैं क्रॉच एरिया एक साथ काटूँगी। आप देख सकते हैं, अब मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। अब ये इधर से कट के ये इधर आके एक हो गया, ये इस तरीके से आ गया, ये दोनों एक जैसा सेट हो गया। अब ऊपर में मेरा क्रॉच एरिया निकाल के शरारा वाले पेपर शरारा वाले कपड़े में क्रॉच एरिया काटने के बाद यहाँ पर 14.5 इंचेज आ रहा है और नीचे जितना भी घेर हो जाए। यहाँ पे मैं नीचे 17 इंचेज ली हूँ जहाँ तक क्रॉच एरिया आएगा, तो उसको मैं इस तरीके से कर्व करके ये तिरछा ले रही हूँ इधर। इधर से ये हो गया, ये कटिंग करके
कुछ ऐसा लगेगा। और ये मैं इसको दोनों को एक साथ अटैच करूँगी, यहाँ से पैंट में अटैच करूँगी और नीचे पूरा एक जैसा रहेगा, एक साथ रहेगा। ये क्रॉच एरिया से और पैंट में अटैच करके नीचे खुला रहेगा। आप देख सकते हैं ये मैं 14.5 इंच ऊपर से ली हूँ, क्योंकि ये तिरछा करके मैं ओरेब में ली हूँ नीचे से घेर ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा सिंगल अरस होता है और बहुत छोटा होता है। और मैं नीचे जो क्रॉच एरिया के पास वहाँ पर काटने के लिए कट करने के लिए ली हूँ, ये 17 इंचेस है, जो 2.5 इंच कट के 15 इंचेस आ 14.5 इंचेस आ जाएगा। और इसको मैंने क्रॉच एरिया काटने के लिए मैं 15 इंचेस ली हूँ और 15 इंचेस में मैं तिरछा ली हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। और इसके बाद मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ, मैं घेरे को भी, ये 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड हो गया, ये 2 ये 2 ये। अब इसमें मैं 40 इंचेस ली हूँ, फोल्ड करके ऊपर नीचे फोल्ड करके बन के 38 इंचेस आ जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा, ये तिरछा है तो मैं इस तरीके से और ये भी मैं तिरछा करके मैं इसे कट करके पूरा ले लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये लाइनिंग पूरी कट के तैयार है। ये यहाँ से मैंने क्रॉच एरिया काट दिया है कटिंग करके, यहाँ से ये 17 इंचेस आ रहा है, क्योंकि ये मैं घेर में ज़्यादा घेर रहे पैंट में इसलिए मैं रखी हूँ। और ये पूरा यहाँ से ये इस तरीके से कट करके इधर से बराबर कर दी हूँ। अब ये लाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।